दोस्तों आज बुलबुल मूवी की फुल एक्सप्लेनेशन करूंगा। कहानी है बंगाल प्रेसिडेंसी के समय की, सन 1881 की, एक राज परिवार और उनकी बड़ी बहू बुलबुल की। बुलबुल एक ऐसी लड़की है जिसके बचपन में शादी हो जाती है, खेलने कूदने की उम्र में उसकी शादी कर दी जाती है। यह है सत्या जो बुलबुल की उम्र का होता है। शादी बचपन में ही हो जाने पर और हम उम्र होने के कारण शादी के बाद विदाई हो जाने पर बुलबुल सत्या को ही अपना पति समझ लेती है। पर बुलबुल की शादी सत्या से नहीं बल्कि बड़े ठाकुर से होती है। ये है बड़े ठाकुर का छोटा भाई महेंद्र, जो माइंडली डिस्टर्ब होता है। और ये है महेंद्र की पत्नी विनोदिनी और ये है सत्या ठाकुर। परिवार का सबसे छोटा बेटा सत्या ठाकुर, जो बुलबुल के ही हम उम्र होता है और दोनों साथ साथ खेलते हुए बड़े होते हैं। पूरा बचपन इनका साथ ही बीतता है, पर बुलबुल सत्या की बड़ी भाभी होती है, यानी बड़े ठाकुर की पत्नी। ये तो होती है इनके बचपन की बात। बड़े होने पर सत्या को बड़े ठाकुर लंदन बैरिस्टरी करवाने भेज देते हैं 5 साल के लिए। और जब 5 साल बाद सत्या वापस लौट कर आता है तो हवेली में काफ़ी कुछ बदल जाता है। गाँव में लोगों की हत्याएँ होने लगती है। लोग इन सब का कारण एक डायन को बताने लगते हैं और उस डायन का चरित्र वर्णन भी करके बताते हैं कि वो डायन किस तरह की दिखती है। हवेली में भी अब बड़े ठाकुर का राज नहीं रहता। इन 5 सालों में अब बड़ी भाभी यानी बुलबुल के हाथ में लॉर्डशिप आ जाती है और बड़े ठाकुर बाहर रहने के लिए चले जाते हैं। वहीं महेंद्र की पत्नी विनोदिनी भी विधवा हो जाती है। महेंद्र की मौत के बाद, जिसकी मौत का कारण सब लोग उस उल्टे पैर वाली डायन को बताते हैं, विनोदिनी अब उस महल में नहीं रहती। और यह है डॉक्टर सुदीप, जो गांव में ही रहते हैं और डॉक्टर है। सत्या इन डायन वाली और चुड़ैल वाली बातों को नहीं मानता है और इन सब लोगों की मौत के पीछे किसी जंगली जानवर को समझता है। और एक दिन रात को उस जंगली जानवर को मारने कुछ लोगों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ता है। साथ में होता है दिनकर मास्टर, जो भी हत्यारे को पकड़वाने के लिए साथ आता है और अचानक चुड़ैल को देखकर भाग निकलता है और चुड़ैल उसे पीछा कर मार देती है। सत्या को इन सब बातों से लगता है कि ये चुड़ैल का काम नहीं, ये तो किसी आदमी या ह्यूमन का ही काम है। इतनी सब हत्याएं होती देख सत्या इन हत्याओं के रहस्य को ढूंढने के लिए खोजबीन करने लगता है। और इसी बीच बुलबुल भी रह रहकर अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचने लगती है कि किस तरह मेंटली डिस्टर्ब महेंद्र उसे सताया करता था और वे सब अपनी जिंदगी में किस तरह खुश थे। कि तभी बड़े ठाकुर सत्या को बाहर लंदन पढ़ने भेजने की बात करने लगते हैं और बुलबुल उदास सी हो जाती है। बुलबुल और सत्या अपने बचपन के दिनों की कहानियाँ एक किताब में लिखा करते थे। सत्या अपने जाने से पहले वो किताब बुलबुल को दे जाता है, जिसे सत्या के जाने के बाद रोते हुए बुलबुल जला डालती है। बड़ा ठाकुर और विनोदिनी के संबंध कुछ खास से होते हैं। सत्या के जाने के बाद बुलबुल के बारे में बोले गए ये सब कि बुलबुल सत्या के जाने से काफ़ी परेशान है, बड़े ठाकुर को गुस्सा दिला देते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। जाने के कुछ टाइम बाद ही उसे जलती हुई किताब के ऊपर सत्या बुलबुल लिखा देख वो आग बबूला हो जाता है और बुलबुल को पीट पीट कर लगभग अधमरा ही कर देता है और उसकी टांगें तोड़ देता है। इसके बाद खुद भी वहाँ से उस हवेली को छोड़कर दूर रहने चला जाता है। इधर बुलबुल अपनी पुरानी यादों में उलझी हुई होती है और उधर सत्या को किसी और के खून की बात पता चलती है और उसे इन सब बातों के पीछे डॉक्टर सुदीप के होने का शक महसूस होता है। और साथ ही साथ बुलबुल पर भी ये शक करता है कि वो और डॉक्टर सुदीप का चक्कर चल रहा है। पर सत्या को कहाँ इस बात का पता होता है कि जब बुलबुल की टांग टूट जाती है और पागल महेंद्र की वजह से बुलबुल की ज़िंदगी लगभग ख़त्म ही हो जाती है, तो वो काली माँ ही होती है जिसकी और डॉक्टर सुदीप की वजह से उसको जीवनदान मिलता है और काली माँ उसे न्याय दिलाने के लिए महेंद्र को मार देती है।
सत्या की जासूसी के साथ साथ कुछ ही दिन में पूजा का दिन भी आ जाता है। और तभी उसी दिन सत्या की घोड़ा गाड़ी चालक की दो पत्नियों में से एक आत्महत्या कर लेती है। घोड़ा गाड़ी वाले को यह पता नहीं होता है और वह सत्या के साथ डॉक्टर सुदीप को पकड़कर कोर्ट ले जाने के लिए निकल पड़ता है कि तभी रास्ते में गाड़ी वाले को वह उल्टे पैरों वाली औरत मार डालती है। सत्या उस औरत को अंधेरे में देखता है और गोली चला देता है। गोली उसके पेट में लगती है और वहाँ से वो कहीं गायब हो जाती है कि तभी डॉक्टर सुदीप उस उल्टे पैर वाली औरत को देख लेता है तो उसे पता चलता है कि यह औरत तो बुलबुल है जिसके पैर टूट जाने की वजह से उसके पैर दोनों दिशाओं में घूम जाते थे। सत्या को मालूम नहीं होता कि वो औरत कौन थी और उसे सुदीप के इनोसेंट होने का यकीन हो जाता और वो उस औरत को मारने निकल पड़ता है और पूरे जंगल में आग लगा देता है और इन्हीं सब लपटों में गिरकर बुलबुल की मौत हो जाती है। और जब डॉक्टर सुदीप इस बारे में बताता है कि यह उसकी बड़ी भाभी बुलबुल थी तो वह बहुत दुखी हो जाता है और दुखी होकर एक साल बाद उस घर को छोड़कर चला जाता है। और उसे यह सब भी पता चल जाता है कि उन सब लोगों को क्यों मारा गया। गाड़ीवान की मौत इसलिए होती है क्योंकि गाड़ीवान अपनी पत्नी को सताता था और वो आत्महत्या कर लेती है। वहीं मास्टर दिनकर अपनी पत्नी को इतना पीटता था कि उसकी हड्डियाँ ही टूट जाती है। इन सबको न्याय दिलाने के लिए स्वयं काली माँ उसके शरीर में आती थी और अब सत्या चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था और सब छोड़ छाड़ कर वहाँ से चला जाता है। वहीं बड़े ठाकुर की बरसों बाद फिर से हवेली में रहने की इच्छा होती है और वो वहाँ रहने चला आता है, पर उसने जो किया था उसका बदला तो अभी बाकी था। अपने कर्मों का फल भुगतना उसका बाकी होता है। बुलबुल की आत्मा माँ की शक्ति से फिर लौट आती है और बुलबुल उसे भी उसके कर्मों के फल दे देती है। जिंदगी हमेशा अपना उधार कभी बाकी नहीं रखती है, देर ही सही पर हिसाब हमेशा करती है। और कहानी यहीं खत्म होती है। हम ऐसी कहानियाँ आप लोगों के लिए लाते रहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर दे सकते हैं। आज के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।